नमस्कार संस्कृत सर्वे शाम स्वागत अहम कुसुम प्रसाद अस् और मया सह पारोमिता राहा अस्त मैम इज एक्सपर्ट मैम है पारोमिता राहा और मैम है भारतीय शिक्षा बोर्ड से इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्चर और ये हमें संस्कृत का पाठ बताएंगी और पाठ का नाम है पंचम पंचम पाठ जननी वत्सला इसके ऊपर मैम विस्तार से हमें बताएंगी कि क्या कुछ है इस पाठ में किस बारे में कहा गया है ये तो आप सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर दस और हमारा यूट्यूब चैनल एन ऑफिशियल तो स्टूडेंट्स हम आपको बता देते हैं कि आ, जो हमारा जो विषय है वो है पंचम पाठ जननी तुल्य वसला मैम आपका इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार आज का जो हमारा पाठ है वो है पंचम पाठ जननी तुल्यवत्सला जननी यानी माँ तुल्यवत्सला यानी सभी सभी के ऊपर समान प्रेम करने वाली जननी समान प्रेम करने वाली ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी माँ होती है वो सभी उनके लिए सभी संतान समान होते हैं इस विषय पर आज हम आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल मैम जननी के बारे में बात करेंगे जननी का स्थान तो बहुत ही सर्वोच्च है और अपनी धरा को भी कहते हैं जननी जन्मभूमि तो इससे पहले कि हम आज का ये सत्र शुरू करें हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लर्नर्स हैं उनको बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे वो है आठ आठ शून्य शून्य चार चार शून्य पांच पांच नौ पर इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट द रेट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट आई और एक और माध्यम है हमारा यूट्यूब चैनल यानी एन सी आर टी ऑफिशियल इसके लाइव चैट में आप जाकर अपने मैसेजेस अपने जो भी फीडबैक्स हैं हम तक पहुंचा सकते हैं और सीधे इस सत्र से जुड़ सकते हैं और मैम से जो हमारी आज की एक्सपर्ट है मिस परोमिता राहा से कोई भी प्रश्न मैम से पूछ सकते हैं जो, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता या जिसमें भी कोई दिगत दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है आप निसंकोच अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं तो अब हम देर नहीं करते हैं रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट मैम की तरफ पारोमिता मैम अब शुरुआत करते हैं आज का ये सत्र मैम तो आज पाठ शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जननी तुल्य वत्सला है ये जो पाठ हमारी है वो महर्षि वेदव्यास विरचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं और जी, देखते हैं पंचम पाठ जननी तुल्य तुल्यवत्सला कश्चित कृषक बलिवरदाभ्या क्षेत्रकर्षण कुरस कश्चित कृषक कोई किसान बलिवर्दाभ्यांग दो बैलों से बलिवर्द यानी बैल क्षेत्रकर्षण क्षेत्र खेत की जुताई कुर्वन नासित कर रहा था तय बलिवर्द शरीरण दुर्बल जवेन गंत अशक् च हो तर हो उन दो बैलों में से एक, एक शरीरण शरीर से दुर्बल दुर्बल था च और जवेन यानी तीव्र गति से गंतुम अशक्त आसी चलने से अशक्त असमर्थ था यानी जो दो बैल था उनमें से एक बैल शरीर से दुर्बल था और जो तीव्र गति से जाने में समर्थ नहीं था अतः कृषक तंग दुर्बलं वृषभंग तोदन नूदन अवर्तत अतएव अर्थात इसलिए कृषक किसान तंग दुर्बल ऋषभंग उस दुर्बल बैल को तो कष्ट देकर नूदन अवर्तत धकेल रहा था सह ऋषभ हलम उढ्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात सह ऋषभ वह बैल हलम उठ्वा हल उठाकर गंतुम अशक्त जाने में अशक्त क्षेत्रे पपात भूमि पर गिर गया जो वृषभ पर जो वृषभ यानी जो बैल दुर्बल था वो जाने में जो हल उठाकर चलने में असमर्थ था वो खेत भूमि पर गिर गया क्रुद्ध कृषिवल तम उत्थापय बहुवार यत्न अकरोत क्रुद्ध कृषिवल क्रोधित किसान तम उसको उठाने के लिए बहुबारम अनेक बार यतनम अकरोत प्रयत्न किया तथापि वृषा नोत्थि फिर भी वृष बैल न उत्थि नहीं उठा आगे भूमौ पति स्वुत्रंग दृष्टि सर्वधेनूना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूँ आविरासन भूमा पतित भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्र अपने पुत्र को दृष्टवा देखकर सर्वधेनुनंग सभी गायों की मातु सुरभे है सभी गायों की माता सुरभि के नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों से अश्रु ने आविरासम आंसू बहने लगे सुरभे है इम अवस्थां दृष्टवा सुराधीप ताम अप्रिचत सुरभे इमाम अवस्था सुरभि के ये अवस्थ इस अवस्था को सुरभि की इस अवस्था देखकर सुराधीप सुराधीप यानी देवों के राजा अर्थात इंद्र ताम उससे अप्रिचत पूछा ऐ शुभे किमेव रोदिशी उच्चताम ऐ शुभे हे कल्याणकारिणी किमें रोदिशी क्यों इस प्रकार रो रही हो उच्चताम कहिए इति इस प्रकार कहा साच वह साच यानी अब हम देखेंगे सुरभि क्या बोल रही है विनीपात न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप अहंतो पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक विनीपात न वह कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिप त्रिदशाधिप यानी इंद्र इंद्र को वो संबोधन करके बोल रहे हे त्रिदशा दिप यानी हे इंद्र वह विनिपात न कश्चित दृश्यते जो तुम्हारा यानी तुम्हारा यहाँ पर है जितने भी बैल गाय हैं उनके विनिपात दुख न कश्चित दृश्यते कोई नहीं देख रहे हैं अहम तो पुत्र सोचा मी ते नौदिमी कौशिक हे कौशिक मैं अपने पुत्र को सोचकर इस कारण रो रही हूं आगे okay. भो वासव पुत्रस्य दैनं दृष्ट्वा अहं रोदिमि वासव यानी इंद्र भो वासव हे इंद्र पुत्रस्य दैनं दृष्ट्वा पुत्र के दीनता को दृष्ट्वा देखकर अहं रोदी मैं रो रही हूँ यह सूर्य भी अपने पुत्र यह पुत्र कौन है यह जो पुत्र है वो जो कमजोर बैल जो गिर गया था उसको देख के सुरभि को रोना आ रही है क्योंकि वो सभी गायों की माता है सह दीन इति जानन पी कृषक तंग बहुधा पीड़यती सह दीन अपि सह यानी वो दीन दीन यानी वो कमजोर है इति इस प्रकार जानन पी जानने पर भी कृषक किसान तंग उसको बहुधा अनेक प्रकार से पीड़यती कष्ट दे रहा है सह कृच्रे न भारम उद्वहती सह वो कृच्रेन बहुत कष्ट करके बहुत आ, मतलब बहुत ही कष्ट के साथ वो भारम उद्वहती भार उठा रहा है ईतरमीव भूरंग बोढ़ूँ सह बोढ़ू सह न शक्नौती सह अर्थात वो कमजोर बैल ईतरमी दूस ईतरमीव दूसरे की तरह धूरंग बौढ़ोती धूर जो जब खेत खेत में जब बैल को चलाते हैं जो खेत जोते हैं तो उनके कंधों पर एक कामित एक दंड होता है उसको ही बोला जाता है धूर तो उसको उठाने में वो जो बैल है वो अशक्त है असमर्थ है वो नहीं कर पा रहा है दूसरे की तरह एक भवान पश्यती न क्या आप ये नहीं देख रहे हैं इति प्रत्योवोचत अभी ये सुरभि उनको उत्तर देते हैं इंद्र को कि क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं भद्रे नूनम सहस्राधिकेश तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम भद्रे नूनम हे कल्याणकारिणी नूनम निश्चित ही सहस्राधिकेशु पुत्र सत्सुपी हजारों से भी अधिक विद्यमान पुत्रों में तब तुम्हारा नेव इस पर अर्थात इस कमजोर बैल पर एता इस प्रकार की यानी ममता जो स्नेह क्यों ये पूछते हैं इंद्र सुरभि से इति पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछी गई सुरभि उत्तर देती है यदि पुत्र सहस्रंग में वात्सल्यंग सर्वत्र सममे में तनई देव प्रकृत्याभ्य धिका कृपा सुरभि जो है वो ये मान रही है वो बोल रही है कि यद्यपि मेरा सहज हजारों पुत्र है और सभी पर मेरा जो ममता है वो समान है फिर भी जो दीन है अर्थात जो कमजोर है उस पर जो मेरी कृपा वो अधिक है और ये स्वाभाविक ही है प्रकृत्या अभ्याधिका कृपा उन पर मेरा जो कृपा है जो प्रेम है वो अधिक है ये तो स्वाभाविक ही है आगे देखते हैं संति इति सत्यम तथापि अहम एतस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामी बहूनी अपत्या में इति सत्यम ये तो सच है कि मेरी बहुत सारे संतानें हैं तथापि अहम एतस्मिन् फिर भी मैं इस पुत्रे पुत्र पर विशिष्य आत्मवेदना अनुभवा, अनुभवामी विशेषकर आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ ही अयम अन्यभ्य दुर्बल क्योंकि ये दूसरे से दुर्बल है सर्वेशु अपत्यु जननी तुल्य वत्सला एव। सभी पुत्र पर सभी संतानों पर जननी जो है वो समान रूप से स्नेह करने वाली है तथापि दुर्बले सूते मातु अभ्यधिका कृपा सहजैव फिर भी जो दुर्बल पुत्र है उस पर माता की जो प्रेम है वो अधिक है और वो जो है वो सहज है वो प्र, मतलब सहज प्रकार से जो दुर्बल होते हैं कभी हम खुद भी देखते हैं जब हम जब दोनों संतान हैं और एक उसमें किसी के तबियत बहुत खराब है तो मम्मी जो है हमारे माताएं जो है वो उनके ऊपर ज्यादा केयर करते हैं उनको ज़्यादा

ृषंग विस्मिता अखंडल्यापी विस्मित इंद्र का भी हृदय जो है वो द्रवित हो गया स चताम एवं से सर्वं भद्रंग जायत वह यानी इंद्र सुरभि को सांत सांत्वना देते हुए ये कहते हैं कि गच्छवत् जाओ से, से सर्वं भद्रंग जायत सभी सही होगा अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश प्रवर्षा सामयत शीघ्र ही चंडवातेन वायु के साथ मेघरव्य बादल के गर्जनों के साथ प्रवर्षा सामयत वर्षा होने लगी लोकाना पश्यता सर्वत्र जलोप्लव संजात लोगों के देखते ही देखते चारों ओर जल ही जल हो गया hmm. कृषक हर्षातिरेके न कर्षण विमुख हसन सन वृषभ नित्वा गृह अगात कृषक जिस कृषक की बात यहाँ हो रही थी वो किसान वो किसान हर्षातिरेके न अत्यंत हर्ष यानी वो हर्षित होकर कर्षण विमुख जो खेत की जुताई वो कर रहा था उस खेत की जुताई से वो विमुख होकर वृषभ नित्वा दोनों बैलों को लेकर गृह अगात गृह चला गया घर चला गया अपत्यु सर्वेश जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तो सा माता कृपार्द हृदया भवे अपत्यु सर्वेश जननी तुल्यवत्सला सभी स, सभी संतानों पर जननी जो है वो समान स्नेह करने वाली होती है परंतु जो दीन है यानी जो कमजोर है उस पर माता की जो कृपा है वो माता की जो हृदय है वो सहानुभूति पूर्ण हो जाती है जी और जैसा कि इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया था तो वो वर्षा हो गई हाँ। और कृषक का ध्यान दूसरी तरफ चला गया कि वो अब बारिश हो रही है अब इनको लेके चलो तो उस तरह से उनको हाँ। आ, आराम भी मिल गया आराम भी मिल गया जी। और माता की जो हृदय है वो भी शांत हो, शांत हो गया उनके जो संतान है जो कमजोर है उनको भी मिल गया आगे हम थोड़ा सा अभ्यास देख लेते हैं अः यहाँ पे दिया गया है कि जो एक पदेन उत्तरम लिखा था वृषभ दीन जानन कह तंग नुदन आसित वृषभ को कमजोर जानकर फिर भी कौन उसको धकेल रहा था कृषक क्रिश वृषभ कुत्र प्रपात कहा गिर गया था वृषभ जो है क्षेत्र यानी भूमि में दुर्बले सूते क्या अधिका कृपा मातु जो दुर्बल पुत्र है उस पर माता की कृपा होती क्यों हो एक नुर्बल आसीत बलिवर्द Hmm. चंडवातेन मेघ रवैच सह कह समय प्रवर्ष hmm. आगे देखते हैं यहाँ पर जो संस्कृत भाषा में आपको लिखना पड़ेगा एक वाक्य में आपको लिखना पड़ेगा देख लीजिए कृषक कृषक बलिवर्दाभ्यंग क्षेत्र कर्शन करो स्म हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहेंगे जो भी लर्नर्स हमें देख रहे हैं कि वे क्वेश्चन को इसमें देख लें और आंसर्स hmm. को ना देखें और अपने आप करने की कोशिश हाँ, करें हाँ. और हमें सेंड भी करें ये तो उससे हाँ। ज्यादा उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कितना हम थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि उदाहरण देने से फिर आगे अगर जी जी। कोई दूसरी तरह के भी आए पर और इस तरह के निर्देश दिया गया है की अधोलिखितान प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा भाषा लिखा तो वो देख के यह देख लीजिए मातु अधिका कृपा कस्मिन भवती मातु अधिका कृपा दुर्वले पुत्रे भवति इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम कृन कृतवान इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम प्रवर्षा कृतवान जननी कि द्रिषी भवति जननी तुल्य वत्सला पाठे अस्मिन् कयो हो संवादः विद्यते इस पाठ में किन दोनों के बीच संवाद हुई इस पाठ में इंद्र और सुरभि के बीच में संवाद हुआ जी अब यह देखिए स्तंभे दत्तांग पदान मेलन ख स्तंभ दत्तई कुरुतः पदई ही यहाँ दिया गया है स्तंभ के साथ आपको जो है ख स्तंभ को मिलाना पड़ेगा जैसे हाँ, जी तो यानी कष्ट मतलब कष्ट साधन काठिन्यन मतलब कठिनता के साथ मतलब अच्छा। जो कठिनता होती है उसकी कृष्ण कृच्छ्रेण काठिन्यन चक्षुर्भ्याम यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कलर के साथ हाँ, नेत्रों को और जवेन जो है वो द्रुत वेग मतलब तीव्र गति से तो वो होगा द्रुत गतिया इंद्रह इंद्र का जो यहाँ पे हमने बहुत सारे जो समानार्थक पद हमने देखा है इंद्र का कई पे हमने देखा है वासव कौशिक त्रिदशाधीप तो यहाँ पर जो है यहाँ पे वासव है पुत्राह है सुताह शीघ्रम शीघ्रम यानी अचिरम और बलिवर्द वृषभ स्थूल पद यहाँ पर जो स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम निर्माण यहाँ पे जो बोल्ड किया गया है उसको लेकर प्रश्न निर्माण करना है सह भारम सह कथम भारम उद्वहति वो इस प्रकार से भार उद्भव मतलब भार उठा रहा था सुराधी पह, नाम सुराधी पह, ताम अपृछत अयम ताम अपृछत अब जो तीसरा है ग आपको है अयम अन्यभ्य दुर्बल अयम केभ्य दुर्बल धेनु नाम माता सुरभि ही आसित कासांग माता सुरभि ही आसित सहस्राधिकेशु पुत्रेशु सत्सु अपी सा दुखी आसित कतिशु पुत्रेशु सत्सु सा दुखी आसित आगे देखते हैं देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद कहीं जहाँ पे है रेखांकित पदे यथास्थान संधि विच्छेद कुरुत जैसे कुरवन प्लस आसीद पूर्वन नासीद तयोरे कह तयोहो प्लस ए हाँ। कह नोत्थीता नहा ना प्लस उत्थीता नोत्थीता सत्स्वपि सत्सु प्लस अपि तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस एतस्मिन मिलकर बनता है तथा प्यम तथा प्य अहम एतस्मिन यानि कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो हम बहुत ही इजीली इसको इजीली इसको उच्चारण कर सकते ह� और जो हमें कठिनता आती है समझ सकते हैं, हैं।, हैं। जब हम कर देते हैं तो अलग अलग पद का अर्थ हमें पता चल जाता है और फिर हम बहुत से उसका अर्थ आप देख लीजिए जलोप्लव जल प्लस उपलब्व और हाँ अब जो है दूसरे हमारे पास आया क्वेश्चन अधोलिखितेशु वाक्यषु रेखाकित सर्व नाम पदंग कस्मयी प्रयुक्तम यहाँ पे जो सर्वनाम पद हमने यहाँ पे बहुत सारे सर्वनाम पद का प्रयोग देखा है अब किसके लिए है जैसे सा अस्मि हे वासव मैं बहुत ही मैं बहुत ही दुखी हूँ यहाँ पर जो सा है वो किसके लिए आया है ये एक सर्वनाम पद है तो ये आया है सुरभि के लिए सुरभ्य तो आगे भी देखिए पुत्र से दैनक दृष्टवा अहम रोदी ये अहम है ये भी सुरभि के लिए है सह दीनः इति जानन जाननपि कृषकः तं पीडयति ये जो सह है ये किसके लिए है ये वृषभ जो बलिवर्त जो बैल है जो कमजोर का इसको दीन जानकर उसको हाँ। परेशान कर रहा है तो इट मींस हाँ। बैल के बारे में हाँ। बात हो रही है हुँ। हुँ। अब है मम बहुनी अपत्यानि संति ये मम जो है ये है सुरभ्यै यानी सुरभि के लिए सह चतां एवम असान्त्वयत् ये जो सह है ये इंद्र के लिए है सहस्त्रेशु पुत्रेशु शतसु अपि तव अस्मिन प्रीति ही अस्मि hmm. ये भी जो तव है ये सुरभि के लिए है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विशेष्य पद के साथ जो है विशेषण का हमें देखना है जैसे कश्चित के साथ कश्चित हमने पहले ही पढ़ा था कश्चित hmm. कृषक है तो यहाँ पर hmm. कश्चित कृषि वल hmm. और दुर्बल कौन था दुर्बल था वृषभ hmm. क्रुद्ध कौन था कृषि कृषि ठीक है और कृषि वो जो है वो क्रुद्ध था सहस्राधिकेशु यह यह है है पुत्रेशु अभ्यधिका अधिक कृपा और तह, है आखंडलह तुल्य वत्सला जननी जनन हाँ तो ये आज तो ये तो हमने इसमें ये चर्चा करी कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं और सारे पाठ के बारे में बताया तो उसका एक सार बता दीजिए इस पाठ में हमने अभी तक पढ़ा की जो वार्तालाप हुई तो उसका संक्षेप में हम अपने स्टूडेंट्स हाँ। को बता देते हैं वो जी। इस प्रकार है कि मतलब संसार में हम देखते हैं कि जो माताएं होती है उनके एक से अधिक पुत्र एक से अधिक संतानी होती है पर माता की जो प्रेम है वो सभी के लिए समान होते हैं और उनके पर कभी क्या होता है जब उनमें से कोई दुर्बल होता है तो उस पर उनका जो प्रेम है जो ममता है वो ऑटोमेटिकली उनपे जो है वो बढ़ जाता है मतलब स्वाभाविक रूप से उनको कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती तो जो जैसे इसमें पाठ में जिक्र किया गया है हाँ, तुल्य वत्सला हाँ, तो तुल्ले इस, वत्सला जी और जो इसमें जो बैल था उसके ऊपर जो जो सुरभि गाय का जो प्रेम था उसका भी इसलिए था क्योंकि वो हाँ, दीन हीन था वो बहुत ही कमजोर था और उसपे मतलब फिर भी उसको मतलब खेत जोतने के लिए उसको बाध्य किया जा रहा हुँ, था हुँ, तो इससे जो मातृ जो हृदय होती है वो आर्द्र होती है वो द्रवित हो जाते हैं तो इसी पाठ के माध्यम से हम ये देखते हैं कि माता जो है अपने हर एक संतान के प्रति उनका जो वात्सल्य है जो स्नेह है जो ममता है वो समान है और जो दुर्बल है उनके प्रति स्वाभाविक रूप से उनकी जो कृपा है वह अभ्यधिका यानी जो अधिक हो जाते है प्रकृत्या कृपा यही है आज के हमारे जी तो उसमें हमने ये जाना कि किस तरह से जो सुरभि गाय थी वो जो बैल था उसके प्रति जो उसकी पीड़ा थी उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है हाँ। तो उसमें पहले उसको पीड़ा हो रही थी वो ज्यादा वो उठा नहीं पा रहा था कष्ट हो रहा था उसे तो थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरह से कष्ट हो रहा था और किस तरह से अभी तो हमने संस्कृत में पढ़ा है शॉर्ट में उनको हाँ हिंदी में तो, भी बता देते हैं हाँ जो है मतलब ये जो है एक महाभारत महाभारत के वन पर्व से लिया गया है ये एक कथांश है वहां से ये कथा लिया गया है जो व्यास देव जो है वो अः मतलब ये कथा सुना रहे हैं धृत राष्ट्र वेद व्यास हाँ हाँ वो यहाँ पे सुना रहे हैं जो इसमें हम देख भी सकते हैं पहले ये दिया गया है ये जानना भी जरूरी है हमारे हाँ, स्टूडेंट्स के हाँ, लिए कि कहाँ से, लिया गया, हाँ। वन पर्व वन पर्व से लिया गया है ऐतिहासिक हाँ देखिए प्रस्तुत हाँ पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वनपर्व इत्यादि हाग्रिहिता हा जो महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित जो ऐतिहासिक ग्रंथ है महाभारत उसके वनपर्व से ये है और यंग कथा सर्वेशु प्राणीषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति hmm. और ये जो कथा है ये सभी प्राणी के प्रति एक समदृष्टि hmm. एक मतलब सभी प्राणी प्राणियों के प्रति एक समभाव hmm. एक समदृष्टि रखना चाहिए इस प्रकार की भावना यहाँ पे आ रही है अस्याह अभिषितः अर्थोस्ति यत् समाजे विद्यमानं दुर्बल दुर्बलां प्राणीनाः प्रत्यपि मातृत्वत् वात्सल्यं प्रकर्षनेव भवति जो दुर्बल प्राणी होती है उन पर जो है माता की जो कृपा जो प्रेम होती है वो अधिक होती है तो ये है आज के हमारा जो पाठ है जननी इसके तो इस हम... यही संदेश देने का हाँ। प्रयास किया गया है कि हाँ। आ, प्राणियों के प्रति हमारे में स्नेह होना चाहिए उनके प्रति जो हमारा आ, इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए मन में और उनकी जो दुर्बल परिस्थिति उसको देखकर भी हमें थोड़ा सा उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए तो हाँ। ये हमारे स्टूडेंट्स को हम ये बताते हैं कि आज जो ये जो पाठ था पंचम पाठ है जननी तुल्य ये लिया गया था वे, महर्षि वेद व्यास महाभारत के वन जी तो मैम आप यहाँ आए और आपने इस पार्ट को हमारे स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स को बताया और बहुत ही रोचक था और इसकी जो कथा थी वो भी हाँ। बहुत ही प्रेरणादायक थी और काफ़ी हमने गहराई से इस चीज़ों को देखा और पीछे के एक्सरसाइजेज अभ्यास का भी और संधि विच्छेद भी हमने करके देखा हाँ। ताकि जो हमारे लर्नर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आसानी से इस संस्कृत को समझ में आ सके तो मैम आज के इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू मैम सभी का स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स अभी आप देख रहे थे पंचमा पाठ आज का पाठ का नाम था जन्नी तुल्य वत्सला और आज के एक्सपर्ट थी मिस पारोमिता राहा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सत्र बहुत ही प्रेरणादायक लगा होगा आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से सभी भावार्थ समझ में आ गए होंगे तो आज के सत्र के लिए बस इतना ही लेकिन हम यही कहेंगे कि आप कहीं मत जाइए अभी बहुत सारे सत्र और भी हैं रोचक और ज्ञानवर्धक नमस्कार